तिथि दिन के 12 बजे मेरे श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राजमहल में अवतार लेकर के आए। बोलिए बाल राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। लाल जी महाराज की जय। लाल जी महाराज की जय। आज चतुर्विध रूप से आज श्री अवध में राम का जन्मोत्सव मनाया गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद। दुख से सुख का समय जल्दी निकलता है, लेकिन सुख से जल्दी शांति का समय तो और जल्दी निकलता है। शांति से भी जल्दी आनंद का समय तो और जल्दी निकलता है, और आनंद से भी जल्दी परमानंद का समय तो और जल्दी निकलता है, लेकिन परमानंद से भी जल्दी निकलता है ब्रह्मानंद का समय। आज अयोध्या में ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है, ना परमानंद है, यहाँ तो ब्रह्मानंद उमड़ता है। दशरथ पुत्र जनन सुने काना मानव ब्रह्मानंद। चलो राम लला के जन्म में एक आध तो बधाई गाई ले, एक आध तो गाई ले, क्योंकि आज कन्हैया का जन्मोत्सव भी मनाना है। देखो पन्ना के गुब्बारे अभी से आ गए थे, पन्ना आ ही गया है, तो जन्मोत्सव मनाएंगे हम कृष्ण का आज यहाँ धूमधाम से। बेचारे दुर्भाग्य लोगों की किस्मत में नहीं था, सो चले गए घर, क्या करें, अब घर पे तरस रहे होंगे सुन सुन के, क्या करें, किस्मत है ही नहीं। जिनकी किस्मत में था वो बेचे, और जिनकी किस्मत में होगा वो अभी भी आ जाएंगे, अभी कोई बिगड़ा नहीं है। अगर वो सुन रहे होंगे तो अभी आ जाएंगे। तो कृष्ण जन्मोत्सव हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर मनाएंगे, तो जो लोग पानी से डर के भाग गए वो अब आ जाओ जल्दी से, जब तक हम रामलला का जन्म मना रहे। आज कृष्ण जन्म में कितनी अच्छी व्यवस्था देखो तो आप, कितना सुंदर पंडाल सजाया गया, कितनी अच्छी सजावट। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये भादों का महीना बन गया ना, कृष्ण जन्म पे पानी बरसा था, इसलिए ये राम जी बाबा की कथा जीवन भर याद रहेगी कि कृष्ण जन्म कितने ऐसा पानी बरसा। ठाकुर जी भी कहते हैं कोई ऐसी पहचान तो छोड़ दो कथा की कि हमेशा चर्चा में रहे। हाँ, तो ये चर्चा तुम कभी नहीं भूलोगे कि ऐसा पानी बरसा था। अगर पानी नहीं बरसता तो तुम कैसे कहते, इसलिए तो ये कहानी बने, कृष्ण जन्म को ऐसा पानी बरसा राम जी बाबा पे कथा भाई, अरे साहब के क्या बताए। हाँ, तो आज हम नंदोत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आप अपने हौसले को कमजोर मत करना, जम के मनाएंगे, तरीके से मनाएंगे। हम लोग कंजूसी नहीं करते इस काम में, तो आइए पहले रामलला का जन्मोत्सव मनाएं, और फिर इसके बाद में कन्हैया का बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो चलो श्री राम के जन्म में एक बधाई गा लें।